उसका फोटो खींच लो या कुछ भी खींच लो, या उसका आप नाम पढ़ लो, आप मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा और बाकी इनका नंबर आपके पास होगा, इनको वो दवाई आप दिखा दो कि ये दवाई हमको दुकानदार ने सजेस्ट की है। उसमें क्या है ना, अगर मान लो कोई भी दवाई रिएक्शन कर जाती है उसमें एक आपका भी नुकसान है, बाग का भी नुकसान, हमारा भी नुकसान है उसमें, ठीक है ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से तो उसमें कुछ डालेंगे ही नहीं, वो तो जो बताएंगे आप लिख के दें। आप पिताजी ने आपके एक पर्चा दिया मुझे, जो आपने लिखवाया होगा, राहुल सर ने लिखवाया, आपने लिखाया होगा उनके लिए। अच्छा, वो एग्रीमेंट जो था उनने, नहीं नहीं नहीं, दवा का जो मंथली शेड्यूल जाता है उसका था, शेड्यूल क्या चलेगा, वो पर्चा हमें दे दिया, हम वो ही दवा ले आए, बात खत्म होती है। नहीं राहुल सर, हमें इससे बढ़िया क्या बात, राहुल सर मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं इनके बारे में, इनके पास मतलब बहुत बड़ी नॉलेज है बागों की। भाई इससे बढ़िया क्या कि आप अपना लिखा हुआ हमें दे रहे हैं, हम वही चीज ला रहे हैं, तो उससे क्या। तो मैं आपको राहुल सर के बारे में बताऊं कि राहुल सर ने क्या करा है कि मतलब एक बहुत अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएससी करा है और हॉर्टिकल्चर में ही करा है, जो उद्यान विभाग से ही संबंधित है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब अगर हम बात करें तो राहुल सर का जैसे ही ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ इसके बाद उन्होंने सिलेक्शन भी होगा उसी सेम कंपनी में। इसके बाद राहुल सर का एक था कि हाँ ठीक है, मैंने गवर्नमेंट जॉब का वो था, राहुल सर ने प्रिपरेशन करी, टीचिंग करी, और लेकिन एक कहता है रुझान उस चीज के प्रति कभी खत्म नहीं हो पाया, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं हो पाया। और जैसे ही राहुल सर गवर्नमेंट जॉब में आए वो रुझान भाई साहब जारी रहा। मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई शायद ही स्टेट, अगर हम बात करें यूपी स्टेट की, शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे राहुल सर का प्लांटेशन करा हुआ नहीं है। बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से प्लांटेशन करा है, चाहे आपका गुआवा का हो गया, चाहे मैंगो का हो गया, फिर या फिर पपाया का हो गया, बड़ा खूबसूरती से प्लांटेशन करवाते हैं। और सबसे मेन बात ये कि प्रॉपर टेक केयर करते हैं हर एक चीज़ की, नहीं नहीं ठीक, और टाइम, और मेन बात बस यही, प्लांटेशन कोई भी करवाते हैं लेकिन प्रॉपर टेक केयर नहीं, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। सरकार लगाने के थे लेकिन हमने मालूम कराए पहले, नहीं नहीं आपसे बात कराई थी, आपने का फोन नहीं उठ रहा है। जैसे भी आप एक दवाई लाए थे वो, ठीक है ना, वो दवाई मैंने भी देखी, इनको मैंने इनको भी दिखाई, वो दवाई फंगीसाइड थी ना, तो वो फंगीसाइड दवाई थी। अभी हमको ना इसमें कोई फंगीसाइड का छिड़कने, एक्चुअली वो क्या था, यहाँ पे व्हाइट ग्रब की प्रॉब्लम्स प्लांट में थी, जो सफेद गिटार होती है, तो व्हाइट ग्रब के लिए दुकानदार ने इनको ट्राइकोडर्मा दे दिया, ठीक है। ट्राइकोडर्मा एक्चुअली हमारा मोस्टली फंगस के स्पोर्स को किल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और वो था इंसेक्ट कीट, कीड़े के लिए बिवेरिया वैसियाना आता है, लेकिन दुकानदारों को हमारे इतना, सभी दुकानदारों को अनुभव नहीं है, उन्होंने ट्राइकोडर्मा दे दिया इनसे, बोला कि ले जाओ ये उससे मर जाएगा। और यूपी में एक अच्छी चीज पता है क्या हो जाती है, किसानों के साथ मतलब जो उनको फायदा मिल जाता है, वो उनको फायदा ये मिल जाता है, किसान मतलब आप बुरा मत मानना कि इतना नॉलेजेबल नहीं है कि क्या हमारा फंगस को अटैक करेगा, क्या हमारे कीड़े को रोकेगा, क्या हमारे बैक्टीरिया को रोकेगा, ये हमारे साथ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, हो सकता है वो नॉलेज की प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब सरकार भी यही, ठीक है, मोटिव है कि हमारे किसान भाई इस बात को जाने और समझें कि हमारे पर्टिकुलर प्लॉट में क्या समस्या है, और उसका एप्लीकेशन करें, उस पर्टिकुलर मेडिसिन का जो भी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन हम वहाँ पे करें। हम लोग जो हमारे अननेसेसरी खर्चे जा रहे हैं कि आज इसके लिए पता चला कि दवा ये चलनी है, दुकानदार ने उसके साथ दो दवाइयाँ लगा के दे दी, तो हम उन चीज़ों को बचा लेंगे, तो पर एकड़ हमारा 20 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा तो उन्हीं चीज़ों से बच रहा है। अब मानिए आपको कीट रोकना था, उसने आपको फंगस की दवा दी, तो फंगस से वो कीट नहीं रुकेगा, फंगस वाली तो बेकार चली गई ना, फंगस का तो फंगीसाइड का वो है। अब ये चीज आप नहीं समझोगे, आप तो डाल दिए फिर कहोगे काम नहीं किया, नहीं नहीं जैसे बता रहे हैं, जैसे हम लोग, हम जब भी ऐसे हम लोग के साथ थोड़ा कंधा कंधा मिला के चलेंगे, और हम एक आपकी उम्र का अनुभव और थोड़ी सी हम लोग की नॉलेज अगर साथ में काम करेगी तो बहुत बेहतर अनुभव। मैं आपको बताऊं ना, जैसे जो एरिया है ना, यहाँ पे गन्ना हो गया, सरसों हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया, इसी चीज का एरिया है, तो यहाँ के जो दुकानदार है ना वो भाई उनको वो भी, हाँ उनको भी इसी चीज की नॉलेज ज्यादा है, उसी ज्यादा वही चीज रखते ही हैं। जैसे ये, अब जैसे ये फ्रूट्स हो गया या वेजिटेबल हो गए, उनको उसकी चीज की नॉलेज नहीं कि हाँ किस चीज में मेरे को क्या दवाई देनी है, किस चीज में क्या दवाई नहीं देनी है। वो दवाई अगर आपको कोई एक बार सजेस्ट कर रहा है तो आप एक बार हमसे पूछ लो कि हाँ भाई ये दवाई हमको सजेस्ट की गई है, और ये दवाई आप चाहे राहुल भाई से पूछ लो, चाहे मेरे से पूछ लो, कि आप किसी से पूछ लो कि ये दवाई हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मोस्टली हम लोगों का जो पर्पज है वो किसान का खर्च जो है आधा करने का है, कि हम लोग, हाँ कैसे हम लोग जो है किसान खर्च आधा करके जो है प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, और हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं, हम किसान के खर्च को आधा कर सकते हैं,
और खर्च कहाँ पे जाएगा? प्रैक्टिस में जाएगा। सकल मुनाफा वो किसान को ज्यादा हो, उससे किसान कहीं ना कहीं धनी होगा। हम लोग के साथ दिक्कत पता है क्या होती है, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर प्लॉट है, ठीक है, हो सकता है ये अमरूद का ना हो किसी और का, हम लोग पड़ोस वाला नहीं कहता चार चार कट्टे यूरिया डालते हैं, हम पांच कट्टे डालते हैं, लेकिन हम लोग के साथ दिक्कत क्या है, हम ये नहीं समझते कि हमारे प्लॉट को पांच कट्टे की जरूरत है कि नहीं है। पहले हमें अपने प्लॉट की अनुभव को समझना है, देखना है, जानना है, समझना है, फिर इसके बाद इसको ये देखना है कि इसको चार कट्टे की आवश्यकता है तीन कट्टे में, और तीन कट्टे और पांच कट्टे में ज्यादा फर्क होता है, बिल्कुल फर्क है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि जितनी रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कि तीन की चार की, ठीक, उस तरीके से हमें इसको प्लॉट में डालना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है, अपने जो भी खर्चे हैं कम से कम उनको करना है, और मुनाफा जितना कितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं उस पर फोकस करना है। ये बस हम लोग का मुख्य मोटिव है।